घर के आंगन में बैठी उसकी माँ पूजा की तैयारी कर रही थी। आज पितृपक्ष का पहला दिन है, माँ ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो विजय को हमेशा परेशान करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में एक ऐसा समय होता है पितृपक्ष, जब परिवार के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म और तर्पण से न केवल आत्माओं को मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवित लोगों को भी उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ये कहानी पितृपक्ष के दौरान एक परिवार में घटित होने वाली कुछ रहस्यमय घटनाओं की है, जो समय के साथ गहरे रहस्यों की परतें खोलती जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को देखते हैं। विजय ने सुबह सुबह जैसे ही घर के दरवाजे की कुंडी खोली, उसे लगा कि हवा में कुछ अजीब सी गंध है। घर के आंगन में बैठी उसकी माँ पूजा की तैयारी कर रही थी। आज पितृपक्ष का पहला दिन है, माँ ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो विजय को हमेशा परेशान करता था, जैसे माँ कुछ छिपा रही हो या फिर कुछ कहने से डर रही हो। विजय को याद आया कि हर पितृपक्ष में माँ के चेहरे पर यही भाव होते थे, आशंका, चिंता और एक गहरी चुप्पी। उसने माँ से कई बार पूछा था कि पितृपक्ष में ऐसा क्या है जो उसे इतना परेशान करता है, पर माँ ने हमेशा बात टाल दी। इस बार विजय ने ठान लिया था कि वह इस बार इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। दोपहर को जब सब सो रहे थे, विजय ने अपने दादाजी की पुरानी अलमारी खंगालने की सोची। अलमारी में धूल भरी फाइलें और कुछ पुराने पत्र मिले। एक फाइल पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पे लिखा था, श्रापित पीढ़ियां। उसने उत्सुकता से फाइल खोली। अंदर के कागज पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें लिखी बातें उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसमें लिखा था कि उनके परिवार पर एक पुराना श्राप है और पितृपक्ष के दौरान ही यह श्राप सक्रिय हो जाता है। फाइल में इस श्राप के बारे में और भी कुछ लिखा था, लेकिन जैसे ही वह पढ़ने की कोशिश करता, शब्द धुंधले हो जाते। उसे समझ में नहीं आया कि यह उसके दिमाग का खेल है या वाकई में कुछ गड़बड़ है। क्या उसका परिवार सचमुच श्रापित था या फिर एक महज एक पुरानी कहानी थी। रात को विजय की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखी। उसने ध्यान से देखा तो कोई परछाई आंगन में धीरे धीरे चल रही थी। वह उठकर बाहर गया, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। सुबह होते ही उसने माँ से इसके बारे में पूछा। माँ ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। विजय जानता था कि माँ कुछ जानती है, लेकिन वह कुछ कहने से कतरा रही थी। विजय के दोस्त अरुण ने उसे गांव के पुराने मंदिर के बारे में बताया, जो अब खंडहर बन चुका था। कहा जाता था कि इस मंदिर में उनके पूर्वज की आत्माएं वास करती थी। विजय ने सोचा कि शायद उसे वहां जाकर कुछ उत्तर मिल सकते हैं। वह अरुण के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थी और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे अचानक एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। विजय को लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी नजर मंदिर की दीवार पर पड़ी, जहां एक पुराना चित्र था। उस चित्र में उसके परिवार के लोगों के चेहरे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। मंदिर से लौटने के बाद विजय ने फिर से उस फाइल को देखने का निश्चय किया। इस बार उसने गौर से पढ़ा और उसे एक बात साफ नजर आई। इस श्राप का संबंध
उनके पूर्वजों के किए गए किसी पाप से था। पितृपक्ष के दौरान उनका परिवार इन पापों का प्रायश्चित करता था, लेकिन हर बार कुछ रह जाता था। विजय को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हर साल पितृपक्ष के दौरान जो भी अजीब घटनाएं होती थी वे उसी अधूरे प्रायश्चित का नतीजा था। उसका परिवार एक चक्र में फंसा हुआ था जिसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस रात विजय को एक सपना आया। सपने में उसके पूर्वज उसके सामने खड़े थे। उन्होंने विजय से कहा कि उनका समय समाप्त हो रहा है और यदि इस बार पितृपक्ष में सही विधि से तर्पण नहीं हुआ तो उनका श्राप और भी गहरा हो जाएगा। वे उसे एक पुराने अनुष्ठान के बारे में बता रहे थे जो पीढ़ियों से खो चुका था। विजय ने सपने से जागते ही उस अनुष्ठान को खोजने का फैसला किया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया जिन्होंने उसे एक पुरानी किताब के बारे में बताया जिसमें यह अनुष्ठान लिखा हुआ था। वह किताब अब एक पुरानी लाइब्रेरी में थी जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। विजय और अरुण उस लाइब्रेरी में पहुंचे जो शहर के एक कोने में थी। कई घंटों की खोज के बाद विजय को वह पुरानी किताब मिली। उसमें अनुष्ठान की पूरी विधि लिखी हुई थी, लेकिन उसे करने के लिए कुछ विशेष वस्त्र और सामग्री की आवश्यकता थी जो अब मिलना असंभव सा लग रहा था। अरुण ने उसे हिम्मत दी और वे दोनों गांव के एक पुराने पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने कहा कि यह अनुष्ठान केवल पितृपक्ष के अंतिम दिन ही किया जा सकता है और यदि एक भी गलती हुई तो परिवार पर और भी भयानक आपदा आएगी। पितृपक्ष का अंतिम दिन आ चुका था। विजय और उसके परिवार ने पूरे विधि विधान से अनुष्ठान की तैयारी की। मंदिर के खंडहर में जाकर उन्होंने वह अनुष्ठान शुरू किया। हर मंत्र के साथ हवा और भी भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं उनके चारों ओर घूम रही हो। जब अंतिम मंत्र पढ़ा गया तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवारों पर लगे चित्र धीरे धीरे धुंधले हो गए। विजय को महसूस हुआ कि अब उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। अनुष्ठान के बाद विजय ने माँ के चेहरे पर पहली बार सुकून देखा जब सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन विजय के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वाकई में उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल गई थी या फिर यह सिर्फ एक और भ्रम था। और तभी मंदिर के बाहर एक अजीब सी आवाज गूंजी। विजय ने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था, या शायद था।